महिमा इस प्रकार है कि कुरुक्षेत्र में दो व्यक्ति थे, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय, जिनका नाम था पुंडरिक और अम्बरीश। यद्यपि ये उत्सकुल में उनका जन्म हुआ था, किंतु हर तरह के पाप कर्मों में लिप्त थे। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं था जो वो नहीं कर रहे थे। ये वेश्यासक्त, मद्यप, चोर, हत्याकारी और सब कुछ, हर तरह के पाप, परस्त्री हरण, सब कुछ कर रहे थे। और इस प्रकार उनकी आयु का आधा समय व्यतीत हो रहा। तो एक दिन दोनों जा रहे थे, मार्ग में उन लोगों ने वेद मंत्र उच्चारण की ध्वनि उन लोगों ने सुनी। कहीं यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था और वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, भगवान की स्तुति गाई जा रही थी। तो उन लोगों ने ये सब सुना, तो भगवान की स्तुति सुनकर उनके मन में कुछ परिवर्तन आए, वो थोड़े शुद्ध हुए भगवान का नाम सुनकर। तो उन दोनों ने आपस में बातचीत, दोनों ने सोचा कि हमारा आधा समय व्यतीत हो गया और ये जो ब्राह्मणगण यहाँ यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, ये कितने आनंद में है, कितनी शांति में है, और हम लोग पाप कर्म सारा जीवन करते आए और पता नहीं इसका फल स्वरूप हमको क्या दुख भोग करना पड़ेगा। उनमें थोड़ा ज्ञान का उदय हुआ था भगवान की स्तुति सुनकर। तो दोनों ने सोचा कि चलो इन ब्राह्मण के पास जाएं और उनसे पूछें कि हम लोगों ने जो पाप कर्म किए हैं, इससे उद्धार होने का उपाय क्या है। तो दोनों गए ब्राह्मण के पास, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उन्होंने अपने सारे पाप कर्मों के बारे में बताया। ब्राह्मण, उन्होंने क्या क्या पाप कर्म किए, क्योंकि यदि कोई शुद्ध होना चाहता है पाप कर्मों से, तो पहले उसको अपने पाप कर्मों को स्वीकार करना होता है और उसके लिए अनुताप करना होता है, तब जाकर वो कुछ उपदेश को ग्रहण कर सकता है। जब तक व्यक्ति अपने पाप कर्मों का वो नहीं बताएगा, छिपाएगा, तब फिर वो शुद्ध नहीं हो सकता। तो पाप कर्मों को खोल करके बताना, उसके लिए अनुताप करना और उससे मुक्त होने के लिए उपाय पूछो, ये पाप कर्मों से मुक्त होने का उपाय। तो दोनों ने ऐसा ही किया, ब्राह्मणों से पूछा कि आप लोग बताइए, हम ये पाप कर्म किए हैं उसके लिए अनुतप्त हैं, हम इन पापों से कैसे मुक्त हो। तो सारे ब्राह्मण इनके पापों का वर्णन सुनकर ये आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे, और वो लोग सोच रहे ब्राह्मण लोग की शास्त्र में तो इतने सारे पापों का कोई प्रायश्चित है नहीं, तो हम इनको क्या बताएंगे, ये लोग पूछ रहे हैं क्या प्रायश्चित बताइए, तो हम क्या बताएंगे। तो उस समय उन ब्राह्मणों में कोई एक ब्राह्मण थे जो वैष्णव थे और जिनके सारे पाप धुल चुके थे और वो जीवों पर दया करने वाले थे, ब्राह्मण वैष्णव। तो उन्होंने इन दोनों को कहा, तुम दोनों यदि अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम दोनों अति शीघ्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाओ,
वहां भगवान स्वयं निवास कर रहे हैं और उस स्थान में जाकर भगवान का दर्शन मात्र से सारे पापों से तुम लोग मुक्त हो सकते हो। तो यह सुनकर ये दोनों पुंडरिक और अम्बरीश दोनों के मन में आशा का संचार हो कि कोई मार्ग है उनके पापों से मुक्त होने का। तो दोनों ने यही निश्चय किया कि हम जब पुरुषोत्तम क्षेत्र जाएंगे, उस समय पैदल जाते थे, तो उन लोगों ने केवल हविषण ग्रहण जैसा मार्ग और कई महीने के बाद आकर पुरुषोत्तम क्षेत्र में उपस्थित हुए और मार्ग में आते समय वो भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, भगवान का ध्यान और नाम कीर्तन करते हुए आ रहे थे। जब वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर पहुंचे और जाकर समुद्र में स्नान किया और भगवान का दर्शन करने के लिए आए, तो जाकर भगवान के सामने मंदिर के द्वार पर प्रणाम कर रहे हैं और उठकर खड़े हुए भगवान का दर्शन करने के लिए, तो भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा, भगवान उनको दिखाई नहीं पड़ रहे। तो ये लोग अपने पाप कर्म के कारण भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं वो समझ गए। इसलिए उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम यहीं पर पड़े रहेंगे उपवास में बिना खाए पिए, जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा हम उपवास में रहेंगे और यहीं प्राण त्याग, ये निर्णय लिया और उपवास में रहे और नित्य प्रति उपवास में रहकर भगवान का नाम लेते रहे। तो 3 दिन के बाद भगवान का तो दर्शन नहीं हुआ, एक ज्योति का दर्शन। पुनः वो लोग वही उपवास में रहकर भगवान का नाम लेते रहे और 7वें दिन में रात में उन्होंने देखा भगवान को स्वप्न में कि भगवान सिंहासन पर बैठे हुए हैं, देवता लोग आकर उनकी स्तुति कर रहे हैं और दिव्य स्त्रियां उनकी सेवा कर रही है, कोई छत्र धारण किया हुआ है और कोई चामर व्यंजन कर रही है कोई स्त्री, तो इस प्रकार सभी सेवा कर रहे हैं। और रात्रि के अंतिम प्रहर में उनका टूट गया, नींद टूट गई, तो पुनः उन लोगों ने भगवान को उसी रूप में जिस प्रकार स्वप्न में देखा था उसी रूप में रत्न सिंहासन पर भगवान का दर्शन, और इस प्रकार सारे पापों से मुक्त होकर वहीं नीलाचल में ही उन लोगों ने निवास किया। हरे